यह रोलर कोस्टर ड्राइव है बिजली महादेव तक जाने के लिए। नमस्कार, राम राम, स्वागत है फूड एंड ट्रैवल टेल्स के नए वीडियो में। इसमें मैं कवर करूंगा यहाँ तक पहुँचने के लिए ये एडवेंचरस रास्ता, इसके बारे में पूरी जानकारी। ये रास्ता जहाँ पर ख़त्म हो उसके आगे 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा है वो भी कवर करूँगा पूरा, और जानेंगे बिजली महादेव की हिस्ट्री के बारे में। अगर भुंतर कसोल साइड से आते हो तो इस पॉइंट तक गाड़ी आ सकती है। इसके बाद ट्रैक करना पड़ेगा जो कि है 2-2.5 किलोमीटर के आसपास। भुंतर से इस पॉइंट तक की दूरी है लगभग 17 किलोमीटर, और लास्ट का 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो एकदम ऑफ रोडिंग वाला स्ट्रेच है, खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल पतला रास्ता है। और वो जो स्ट्रेच स्टार्ट हो वो एक गाँव से स्टार्ट हुआ है। अगर 4x4 नहीं है तो गाड़ी वहाँ पार्क करके वहाँ से जिप्सी वगैरह ली जा सके है, जो कि बढ़िया रहेगी यहाँ तक पहुँचने में। ट्रैक करके जब मंदिर के पास पहुँचा तो ये कैंप्स नज़र आने स्टार्ट हो जाए। इसका एक दूसरा रास्ता भी है जिसमें थोड़ा लंबा ट्रैक है, वो आवा है रास्ता कुल्लू से। अगर एडवेंचरस रास्ते पसंद नहीं तो कुल्लू वाला रूट ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। एकदम टॉप पर है मंदिर, और यहाँ से जो व्यूज आए हैं चारों तरफ के पीक्स के, गजब के। और ये मेडोज वाला एरिया है मंदिर का आसपास, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी, पूरी थकान उतर जाए है यहाँ पहुँच के ट्रैकिंग की। प्रसाद लेनी हो, कुछ खाना पीना हो, उसका तो चौखे ऑप्शन है यहाँ पर, गणिया स्टॉल्स खुल रही हैं। ये थोड़े दिन पहले केदारनाथ के कपाट खुले हैं, लोगों ने कसूती भीड़ लगा दी वहां जाके, बावड़े हो जाए जमा। यह चीज तो समझते है कोनी कि भाई उस जगह कितनी कैपेसिटी ही नहीं तो वो किस तरह उठेगी इतनी भीड़। अपनी श्रद्धा दिखानी है तो और भी घने ऑप्शंस हुए हैं, जिनमें से एक बिजली महादेव है। अगर महादेव की भगत हो तो दूसरी जगह भी तो माथा टेका जा सका है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद नंबर आ जाएगा केदारनाथ का जब थोड़ी भीड़ कम होगी। यहाँ पर व्यूज भी हैं, पहाड़ भी हैं, महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा लोगों सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। इस मंदिर की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लोगों का मानना है कि हर 12 साल में इस मंदिर पर बिजली गिरे है, और बिजली गिरण की वजह से यहाँ पे रखा शिवलिंग टूट जावा है। उसके बाद पंडित के करे हैं वो शिवलिंग के टुकड़े और उसके साथ नमक, घी, सत्तू मिला के रख दे, और वो शिवलिंग पहले जैसा ही दिखने लग जाए वापिस। ये बड़े बड़े त्रिशूल लगे हैं मंदिर के पास ही, काफी सुंदर और सुकून वाली जगह है। ये लोग बैठे दिखते भी होंगे दूर दूर तक, आराम से 1-2 घंटे बिताए जा सके हैं यहाँ पे, बढ़िया पूरे नज़ारे आओ आस पास के। मैं सुबह सुबह निकला था कसोल से, पहले गया मणिकरण, उसके बाद आया हूँ बिजली महादेव, और अब यहाँ से मनाली। तो ये ऐसी जगह हैं जो इजीली कवर करी जा सके हैं, और ये कुल्लू मनाली वाले रूट पे ही हैं। और भी कई ऑफ बीट लोकेशंस हैं जो मैंने एक्सप्लोर करी हैं इसे रूट पे। अगर ये सारी लोकेशंस अपनी आइटनरी में रखते हो तो कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी ट्रिप। उनके वीडियोस भी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो चेक कर सको हो। इब दिखाऊं यहाँ तक के आन का रास्ता कितना एडवेंचरस है। अगर पहली बार मेरी वीडियो देखने लग रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। बाकी लाइव अपडेट्स देखने खातर फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फूड एंड ट्रेवल टेल्स नाम से ही है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। इब्लियो इस रास्ते की फील। मिलते हैं अगले वीडियो में, करांगे कोई नई जगह एक्सप्लोर। बने रहना अपने चैनल पे।